हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली। तो वेलकम टू ऑल इन माय चैनल C92 यूसुफ से यूट्यूब तक में। तो चलिए आज चलते हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा न्यू टॉपिक HVAC सिस्टम पार्ट 5 है, जिसमें हम बेसिक डक जॉइंट्स या डक सीम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, हमने साइट पे डक देखा है और इसमें आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत तरह का जॉइंट होता है। कोई लॉन्गिट्यूडनल होता है, कोई ट्रांसवर्स होता है। तो क्या क्या जॉइंट्स हमारे डक में HVAC सिस्टम में होता है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों अपने डक जॉइंट की तरफ। अगर दोस्तों कोई एक डक अगर हम कंसीडर करते हैं, मान लीजिए ये मेरा डक्ट है, ये डक का सेक्शन है मेरा, और दिस इज माय डक्ट। अगर हम डक को ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर दो तरह का जॉइंट होगा। एक होगा मेरा ट्रांसफर जॉइंट और एक होगा मेरा लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। ट्रांसफर जॉइंट क्या होगा? जो एयर फ्लो के परपेंडिकुलर है वो होगा मेरा ट्रांसफर जॉइंट। एंड लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट क्या होगा? जो एयर फ्लो के डायरेक्शन में रहे, पैरेलल रहे। जैसे कि ये जो जॉइंट होगा मेरा, ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट होगा, और इस तरह का जो जॉइंट होगा वो ट्रांसफर जॉइंट होगा। तो दो भाग में हम बांट सकते हैं डक जॉइंट को, एक होगा ट्रांसफर जॉइंट और दूसरा होगा डक जॉइंट, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। तो पहला हम देखेंगे ट्रांसफर जॉइंट। ट्रांसफर जॉइंट में साइड पे हमारे क्या क्या जॉइंट्स हो सकते हैं हम देखेंगे। दोस्तों, पहला जो जॉइंट होगा मेरा स्लिप जॉइंट। आपने साइड पे ऑब्जर्व किया होगा कि इस तरह का पट्टी, जिसे हम नॉर्मली जो है साइड के लैंग्वेज में सी पट्टी या एस पट्टी भी कहते हैं। इस तरह का जॉइंट जब किसी भी डक, दो डक को हम जो है पहला डक एंड दूसरा डक को ज्वाइन करते हैं और उसमें जो है खांचा बना देते हैं। खांचा क्या होता है? इस तरह का शेप हम बना देते हैं और आसानी से इसे हम जो है हैमर से मार के इसे फिट कर देते हैं। ये बहुत फास्ट जॉइंट होता है, इसे आसानी से साइड पे बनाया जा सकता है, बट इसका स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, जिसके लिए हम छोटे डक के साइज में जो है इस तरह के डक जॉइंट को यूज करते हैं। इसे सी स्लिप या एस स्लिप भी कहते हैं। हाई वॉल्यूम ऑफ एयर के डक में इसे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये नहीं तो खुल जाएगा। इसके बाद इसे लगाने के बाद इसमें जो है फोर लीकेज से अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, चारों तरफ से इसमें सीरियन लगा देंगे ताकि मेरा जो है लीकेज का चांसेस कम रहे। नेक्स्ट जॉइंट देखेंगे दोस्तों ट्रांसफर जॉइंट पे ही, टीडीएफ जॉइंट। टीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसवर्स डक्ट फ्लैंज जॉइंट। ये भी जॉइंट होता है, बट इसमें क्या होता है, ये हाई वॉल्यूम ऑफ एयर या डक का साइज ज्यादा होगा उसके लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो है डक जॉइंट का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं? इसमें आप देखेंगे कि ये डक कॉर्नर होंगे, कैरिज बोल्ट होंगे, गैस्किट होंगे, और इसमें क्लीट होंगे, नट बोल्ट रहेंगे। इसके बाद जो है इसे कोई भी डक्ट फैब्रिकेटर साइट पे आसानी से फिट कर देता है। ये टोटल जो है साइट फैक्ट्री पे ये फैब्रिकेट होके आता है और साइट पे ओनली इसे असेंबल किया जाता है। साइट पे इसे फैब्रिकेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसके लिए जो है रॉक फॉर्मर मशीन की जरूरत पड़ती है, जो साइट पे नॉर्मली अवेलेबल नहीं रहती है। देखिए दोस्तों, इस तरह का ज्वाइंट जो है बनने के बाद जो है इस तरह का ज्वाइंट होगा, टीडीएफ ज्वाइंट। इसे टीडीसी भी कहते हैं, ट्रांसफर डक कनेक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट जॉइंट देखेंगे स्क्रू डक जॉइंट। ये भी जॉइंट बहुत ही, मैंने इसका भी स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, इसे साइड पे आसानी से हम बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, दो पार्ट, दो डक का माउथ रहेगा। पहला डक के माउथ को जो है हम फीमेल जॉइंट कंसिडर करेंगे और दूसरा को तो मेल जॉइंट कंसिडर करेंगे। इसमें क्या होगा, पहला जो फीमेल वाला जो जॉइंट है इसके हम चारों तरफ में खांचा बना देंगे, आसानी से हम जो है सीजर से इसको कट कर देंगे, और दूसरा जॉइंट जो जिसको हमने मेल कंसिडर किया हुआ है इसको इसमें फिट कर देंगे। फिट करके हम क्या करेंगे, पफ रिवेट या फिर स्क्रू भी हो सकता है, इससे हम क्या करेंगे स्क्रू कर देंगे। स्क्रू करने के बाद ये मेरा डक जॉइंट हो गया। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, चारों तरफ से सीलेंट को फिल कर देंगे प्रॉपरली, जिससे क्या होगा मेरा डक जो है
डक में जॉइंट से एयर जो लीकेज ना हो। इस डक का स्ट्रेंथ भी बहुत कम होता है और इसे आसानी से हम साइट पे फैब्रिकेट कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल जो है ज्यादातर हम छोटे साइज के डक में करते हैं, बड़े साइज के डक में इसे इस्तेमाल नहीं करते, नहीं तो ये इसमें लीकेज का चांसेस बहुत ज्यादा होगा। इसके बाद हम देखिए अभी तक का लॉन्गिच ट्रांसफर जॉइंट हमने देखा है, अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट जो अलोंग द पाथ ऑफ द एयर फ्लो जो जो जॉइंट होता है वो। इसमें जो है जॉइंट जो है पहला जो जॉइंट होगा वो पिट्सबर्ग जॉइंट होगा। पिट्सबर्ग जॉइंट आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये किस तरह दिखता है आप देख सकते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता है, जो भी डक्ट होता था वो पूरे बॉक्स के शेप में जो है साइट पे भेजा जाता था इंस्टॉल करने के लिए। ओनली साइट वहां से बॉक्स बॉक्स करके फैक्ट्री में होता था और साइट पे जो है आसानी से उसे जो लगा दिया जाता था। बट इसमें क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ डक जो है बहुत ज्यादा होता था, जिससे कम क्वांटिटी डक जो है मेरा पर ट्रक में साइट पे आता था। इसीलिए इसे अवॉइड करने के लिए क्या कि एल शेप का डक जो है हमें मंगाना शुरू कर दिए और इस तरह का ये जो है इस तरह का ये जो है नॉच क्रिएट कर देता है, जॉइंट बना देता है साइड पे। ओनली क्या करता है डस्ट फैब्रिकेटर इसे एल शेप को दो एल शेप मिला के एक बॉक्स बना देता है, हैमर से उसको आसानी से जॉइंट कर लेता है। तो इस तरह का जॉइंट जो होता है ये पिट्सबर्ग जॉइंट कहलाता है। ये जो है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट होगा, ये इस तरह का जॉइंट जो आप देखेंगे डक के अलोंग द पाथ ऑफ द एयर फ्लो में अब देखा जाएगा, जिसे हम पिट्सबर्ग जॉइंट कहते हैं। इसके बाद अदर जॉइंट है वेल्डेड जॉइंट। नॉर्मली वेल्डेड जॉइंट हम जो है वीएसी सिस्टम में नहीं यूज करते हैं, बट आप देखेंगे किचन एग्जॉस्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो डक्ट वगैरह है जिसका थिकनेस बहुत ज्यादा है, जिसका जॉइंट टीडीएफ जॉइंट या फिर सी पट्टी एस पट्टी बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम क्या करते हैं उस जगह में इसे जो है वेल्ड करके जो है जॉइंट को बनाते हैं। तो इस तरह का जो जॉइंट होता है वो हमारा वेल्डेड जॉइंट होता है। होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।